हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज 18 नवंबर, आज शायद लास्ट शिफ्ट है आपकी सीजीएल वाली जो एग्ज़ाम है 2019 का। बस 3-4 दिन के बाद ही आपका 22 तारीख को डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है। कल भी यार मैं पूरा दिन जो है वो मोबाइल पर ही चिपका रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। अब जाकर के स्टूडेंट जो हैं वो एकदम से बुक परचेस कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे कर रहे थे। तो भाई मेरी बुक लेने की मेन वजह यही है कि इस बुक में मैंने देखिए TCS जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, तो अब क्योंकि पहला ही ऐसा इंस्टांस आया ना 2017 में, तो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ऐसे आया था, और 2018 में आया था एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन से रिलेटेड मैंने इस PDF में डाला हुआ था, एजुकेशन से रिलेटेड डाला हुआ था, और बिल्कुल वही टॉपिक तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के बोला था कि कैसे वो डेवलपिंग जो है वो कंट्री के लिए, एक डेवलप कंट्री के लिए कैसे एजुकेशन ज़रूरी है, लाइक इस तरह के टॉपिक। तो जितने भी जर्नल टॉपिक हैं वो सारे इंक्लूडेड किए हुए हैं मैंने, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है, पुरानी नई सब है। अब जैसे लाइक अभी जो आजकल के टॉपिक्स हैं लेटेस्ट, कोरोना वायरस, अब सिर्फ कोरोना वायरस का ही आपको ऐसे थोड़ी पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें, कैसे इसने इकोनॉमी को इम्पेक्ट किया, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या थे, माइग्रेंट वर्कर को कैसे इसने हिट किया, कैसे इसने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, और कैसे लॉकडाउन हुआ, और कैसे इसने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड पढ़नी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हुई हैं। जितने भी जनरल टॉपिक थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और आपका दिल्ली पोल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इतने रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मार्केट से आप बुक लोगे अपडेटेड नहीं होती, और आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वो कवर अप नहीं होगी। जैसे ये बुक अगर आप लोगे तो ये आपका CHSL 2019 के लिए भी चलेगी, मैं वादा करता हूँ। उसमें जितने टॉपिक होंगे मैं सारे अपडेट करके आपको दूंगा, और आपको मुझे दोबारा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस लिंक से आप वो बुक डाउनलोड करोगे ये वाली, तो अगर उससे लिंक से आप दोबारा डाउनलोड करते हो तो आपको अपडेटेड बुक मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको MS ऑफिस की फ़ाइल में कन्वर्ट किया है, .docx फाइल में। जितनी बार भी डाउनलोड करोगे आपको अपडेटेड मिलेगा, जब भी मैं अपडेट करता हूँ आपके सामने आ जाएगा। अभी भी अगर ये बुक किसी ने बहुत पहले ख़रीदी है ना, 2 महीने पहले, तो वो डाउनलोड करके देखना, उस लिंक से जो आपको मिला था, तो आपको शायद बहुत सारे टॉपिक नए मिलेंगे, और मैंने इसमें सारे जनरल टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं। तो दिल्ली पोल्यूशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च से टॉपिक बनाए गए हैं इंटरनेट पे, मैंने इतने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं, यूट्यूब पे देखा है, तब जाके ये टाइप करके मैंने आपके सामने जो है वो लिखे हैं इसमें PDFs में। बहुत सच में बहुत मेहनत लग रही है, कोई एक दिन का काम नहीं है, पिछले 2 साल से ये बुक जो है वो मैं प्रिपेयर करता रहता हूँ, तो इसको बिल्कुल आसान मत समझना। और दूसरे अगर चैनल पे जाओगे ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, 2-2 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं वो, पता नहीं उसमें वो असेसमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन तब भी यार इतना कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज कॉजिंग कंसर्न नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अगर जितना इफेक्टिव होगा, इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडरी पार्ट, कंक्लूजन वाला पार्ट, उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, और वो मार्क्स देने पर आपको ओब्लाइज्ड होगा। आप अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम करते हैं तो अच्छी बात है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, कॉम्प्लेक्स वर्ड मत लिखिएगा, बिल्कुल ईजी से वर्ड लिखिएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड, लाइक इस टाइप की लैंग्वेज आप लिखिएगा। देखिए जब भी आप IELTS का भी आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो हमेशा उन बच्चों से एक बार पूछ के देखिएगा, जब भी उनका राइटिंग का पोर्शन आता है या फिर उनका स्पीकिंग का ऑप्शन आता है वाइल इंटरव्यूइंग, तो हमेशा वो लोग यही बोलते हैं कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी यही लिखूँगा कि आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज लिखनी है। तो देखिए ये कितनी अच्छी लाइन है कि जो पोल्यूशन है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या है, एक चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ बीइंग टैग्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड ये कैपिटल सिटी जो है वो उसके रूप में इसको टैग किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इट इज़ वर्ल्ड वर्स्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन विद एन अनहेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ईयर। द स्टूडेज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डेली। द एयर क्वालिटी इन दिस सिटी हैज बीन बिकम द वर्स्ट इन द 2 decades। देयर
देयर हैज़ बीन अ ह्यूज राइज इन द वेक्यूलर पॉपुलेशन इन स्पाइट ऑफ द मेट्रो रेलवेज एग्रवेटिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड इंक्रीजिंग एयर एंड द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो व्हीक्यूलर पॉपुलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, जबकि मेट्रो रेलवे हैं जो कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। इन स्पाइट ऑफ द मेट्रो रेलवेज, आपने देखा होगा मेट्रो के ऊपर एक पूरी वायर रहती है और उससे वो कनेक्शन लेता है चलने के लिए। एग्रावेटिंग ट्रैफिक कंजेशन, और इससे क्या हो रहा है, जब व्हीक्यूलर बढ़ेंगे, व्हीकल ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो रहा है और एयर और नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देयर हैज़ आल्सो बीन अ नंबर ऑफ डीजल व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड विच आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। देयर हैज़ बीन टू मच डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, इन प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी इन द बिल्डिंग्स एंड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ बायोमास फॉर कुकिंग। मतलब क्या है, हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं, जैसे कि कोल फायर्ड पावर प्लांट हो गए। ठीक है, जहाँ पे आपका जो पावर प्लांट है उसमें कोयला जल के वो स्टीम प्रोड्यूस करता है। इम प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में जो एनर्जी का है इम प्रॉपर यूज़ होता है, और कुकिंग के लिए बायोमास का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड हीटिंग का, डेट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन एंड डेली पार्टिकुलेट मैटर। ये भी अच्छी लाइन है, इज़ बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स लाइक एसिड, केमिकल गैस, वाटर, मेटल्स, सोइल डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा, द मेजरमेंट ऑफ विच गिव्स एन आइडिया ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द सिटी। सो बेसिकली जो पार्टिकल मैटर है, जो कि स्मॉल पार्टिकल का एक मिक्सचर है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का मिक्सचर है, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं, गैस, वाटर, मेटल्स, इन सब का, तो द मेजरमेंट इनकी आप वहाँ पे जाके एक बार मेजरमेंट करके देखो तो आपको वहाँ पे दिल्ली में पोल्यूशन का आइडिया लग जाएगा कि किस हद तक पोल्यूशन जो है वो वहाँ पर बढ़ा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड अ मेजरली डेंजरस गैस एमिशन, ये कब एमिट होती है, जब किसी भी कार्बन का कोई भी मटेरियल है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट स्टार्टेड टू रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर यू नो फॉर अस एंड द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये रेडिली क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली जो है वो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के साथ नहीं जुड़ती, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सीधा जा कर के हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन से हमारी पूरी बॉडी में ये ट्रेवल करती है, तो विच इज़ मच अबव द इज़ अ डेंजरस गैस एमिशन विच इज़ मच अबव द सेफ लेवल ऑफ 2000 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस सेफ लेवल से ये ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए, जब भी आप कोई पोल्यूशन के बारे में ऐसे लिखते हैं ना, जैसे वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर स्कैरसिटी के बारे में, तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में ज़रूर आप जिक्र किया करो, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो 5 से 10% चांसेस होते हैं इंक्रीज़ होने के। मैंने आपको वाटर स्कैरसिटी का भी बताया है, जहाँ पर मैंने आपको 1000 क्यूबिक पर मीटर का बताया है, तो उसमें भी आप देखिएगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रेशोल्ड के बारे में मेंशन की गई हैं। द लेवल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज़ आल्सो बीन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक्चुअली ये कुछ टाइम पहले का है, 121। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अगर 100 से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है तो आपको लेटेस्ट लिखना है, तो लेटेस्ट अभी जो है वो 178 है, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो नियर अबाउट इतना है, तो वो वेरिएशन आप लिख देना, क्योंकि इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो वो अनसेफ है बिल्कुल, तो 178 आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है। देयर आर मोबाइल एनफोर्समेंट टीम्स डिप्लॉयड एट वेरियस लोकेशंस फॉर मॉनिटरिंग पोल्यूटिंग व्हीकल्स। तो एक मोबाइल इन्फोर्समेंट टीम भी बिछाई गई हैं अलग अलग लोकेशंस पर, क्या मॉनिटर करने के लिए, ऐसे व्हीकल्स जो पोल्यूट कर रहे हैं। देखिए, कुछ व्हीकल्स आप देखते होंगे, आप जब सड़कों पर जा रहे हो तो आप देखते हो कि कितना ज़्यादा वो धुआं फेंक रहे हैं, और आजकल क्या हो रहा है,
वो जो प्रदूषण वाला जो सर्टिफिकेट बन रहा है जिसका जो चार्जेस है वो 10,000 रुपये रखा गया है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं हो उनके पास, पोल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो वो देखिए वो उस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग जो है वो फीस लेके अपना वो सर्टिफिकेट बना देते हैं। उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि हाँ इस व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं कर रहा, तब जाके वो सर्टिफिकेट उनको अलाउ करना चाहिए। लेकिन अभी सबका ही बन रहा है, कोई व्हीकल जितना मर्जी पोल्यूट कर रही है, जितना मर्जी वो धुआं फेंक रही है, पोल्यूशन कर रही है, उन सबका वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो गई है चीज़ें। तो मतलब क्या फ़ायदा है इन सब स्कीम का, और क्या फ़ायदा है उसका जो वो बिछाए गए हैं जाँच केंद्र जो एयर पोल्यूशन चेक करते हैं व्हीकल्स का, विद अ व्यू टू, ये बहुत अच्छी लाइन है, विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन, देयर हैज़ बीन अ बैन इम्पोस्ट ऑन प्लाइंग ऑफ मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। स्टेप्स आर टेकन, ये कंक्लूडरी पार्ट है, स्टेप्स आर टेकन टू ट्रांसपोर्ट सॉरी टू ट्रांसफॉर्म गार्बेज इंटू कम्पोस्ट बाई डेवलपिंग न्यू सैनिटरी लैंड फील साइट्स। इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन इन दिल्ली, बट वी नीड प्रॉपर एंड एफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक इट सक्सेसफुल। कुछ अपनी तरफ से भी आप कुछ ऐसे प्लान्स लिख सकते हो, कुछ प्रोग्राम्स लिख सकते हो, कुछ इनिशिएटिव्स लिख सकते हो दैट इज़ स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपका दिल्ली पोल्यूशन के बारे में था। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू परचेज दिस PDF बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस फॉर फॉर योर एग्जामिनेशन डैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 22 नवंबर। सो हरी अप एंड डू योर प्रिपरेशन बेस्ट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दिस PDF द ऑल द डिटेल्स आर गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक, आई विल इमीडिएटली ट्रांसफर वंस यू हैव डन द पेमेंट। सो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।